डियर स्टूडेंट गुड मॉर्निंग, वेलकम टू लकी एजुकेशन विद नागेश। और जैसा कि आज हम लेक्चर नंबर 22 कराने जा रहे हैं, कौन सा बेटे, चैप्टर नंबर 9, जिसमें क्या करा रहे हैं, मिसलिनियस करा रहे हैं। और इसका क्वेश्चन है 20 वाला, हम क्वेश्चंस करा रहे हैं। क्लियर है बेटे? तो देखो क्या है, ये कह रहा है प्रूव डेट मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विच जॉइंट पॉइंट 5, 7, 3, 9, अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से, इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो लाइन बननी है उसका मिड पॉइंट इज द सेम, बिल्कुल सेम है एज मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट विद जॉइंट पॉइंट 5, 7, 3, 9। अर्थात इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बननी है उसका क्या बेटे, मिड पॉइंट, इन दोनों पॉइंटों को ज्वाइन करने से जो लाइन बननी है उसकी मिड पॉइंट का क्या बेटे, बिल्कुल सेम है दोनों के मिड पॉइंट पूछ रहा है हमसे। तो बेटे पहली बात तो हमें क्या बेटे, जब ही बता सकते हैं जब हमारे पास दोनों के मिड पॉइंट मौजूद होंगे, जब ही देख के बता पाएंगे हम कि नहीं बता पाएंगे कि दोनों के मिड पॉइंट सेम है या नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि नहीं आंख मीची और वैसे बता दी डायरेक्ट, हाँ भाई इनके मिड पॉइंट कैसे हैं, दोनों के सेम है, बता सकते हो कि नहीं बता सकते। अर्थात हमारे पास इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट होगा तो जब भी तो हम देख के बताएंगे बेटे, नहीं बताएंगे। अर्थात हमारा कहने का अर्थ है कि पहले तो इस लाइन का मिड पॉइंट और इस लाइन का मिड पॉइंट पहले हमें दोनों के निकालने हैं, ठीक है। चलो ये हो गया निकालने की वाली बात। और दूसरी बात बेटे, एक और चीज़, मिड पॉइंट इनके सेम है, क्यों है, क्योंकि बेटे दोनों पॉइंट हमारे कैसे हैं, सेम है, दोनों पॉइंट कैसे हैं, इन दोनों पॉइंटों से लाइन बननी, वो इन दोनों से बननी, वो एक ही लाइन है। अर्थात दोनों के पॉइंट कैसे हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, डायरेक्ट ये तरीका है। तो देखो बेटे कर लेते हैं, पहले मान लो इनको मान लेते हैं पॉइंट क्या बेटे, 5, 7 इसे मान लिया हमने ए, इसे मान लिया बेटे हमने बी, क्या बेटे 3, 9, बी किसे मान लिया बेटे हमने, 3, 9 को बी मान लिया, और इसका मिड पॉइंट मान लिया हमने ये, मिड पॉइंट मान क्या मान लिया बेटे हमने टी, इसके क्या मान लिया हमने कोऑर्डिनेट एक्स वाई। इसी तरह दूसरी लाइन है बेटे, इन इस पॉइंटों की लाइन हमने मान ली ये भी 5, 7 है, इसे मान लिया पी, इसे मान लिया क्यू, इसकी कितना बेटे 3, 9, और इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं एस, और इसके भी कोऑर्डिनेट क्या है बेटे हमारे एक्स वाई। तो क्या कर लेते हैं, इस लाइन का मिड पॉइंट निकालने पहले फिर इस लाइन का मिड पॉइंट निकाल देते हैं, उससे क्या बेटे दोनों के मिड पॉइंट को देखेंगे, अगर सेम है तो हम बता देंगे सेम है, ठीक है। तो देखो बेटे क्या है आंसर नंबर 20, लेट मान लिया हमने क्या बेटे, ए है हमारा 5, 7 एंड बी है 4, फर्स्ट लाइन, फोर फर्स्ट लाइन सेगमेंट, क्लियर, एंड पी 5, 7 एंड क्यू 3, 9 इज आर हैं ऑफ सेकेंड लाइन, सेकेंड लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट, क्लियर है बेटे। ऐसे इसे कर देंगे, ये क्या है फ्रॉम किसके लिए है बेटे, हमारे लिए फर्स्ट लाइन के पॉइंट है, ये सेकेंड लाइन के पॉइंट है, जैसा कि हमने बता दिया। इसको मान लेते हैं, इस लाइन को हम फर्स्ट लाइन, फर्स्ट लाइन सेगमेंट, और इसे मान लेते हैं बेटे हम सेकेंड, सेकेंड लाइन सेगमेंट, क्लियर है नहीं है, ठीक है। तो देखो आगे हमें क्या करना है, पहले मिड पॉइंट निकालने, तो क्या लगाएंगे, फॉर्मूला लगाएंगे बेटे, क्या करेंगे, वाई सेक्शन फॉर्मूला, वाई सेक्शन फॉर्मूला, कौन सा बेटे, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट कौन सा लगाना, क्योंकि मिड पॉइंट निकालने हैं। तो बेटे पहले का निकाल लेते हैं, पहली लाइन का निकाल लेते हैं, ए बी का क्या बेटे टी मिड पॉइंट निकाल लेते हैं, टी क्या निकाल लेंगे बेटे, टी मिड पॉइंट निकाल लेंगे। तो देखो पहले फॉर्मूला क्या होता है बेटे, इसका फॉर्मूला होता है एक्स वाला होता है एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, क्लियर, और वाई वाला हो जाता है वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, यही फॉर्मूले होते हैं मिड पॉइंट वाले। तो हम निकाल दो टी के, टी का हम एक्स वाई को एक साथ ले लेते हैं, टी के दोनों कोऑर्डिनेट हैं एक्स वाई, दोनों को एक साथ ले लेते हैं। तो बेटे क्या आ जाएगा, एक्स की जगह पर एक्स रख दो, क्या आ जाएगा, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, और वहाँ वाई की जगह पर वाई वाला मिड पॉइंट वो रख दो फॉर्मूला, वाई वन प्लस वाई टू अपॉन टू, क्लियर। तो क्या हो गया, टी एक्स वाई आ गया बेटे हमारा, क्या एक्स वन प्लस एक्स टू, बेटे इसका क्या, एक्स वन ये है एक्स टू ये है, अर्थात 5 + 3 अपॉन टू, और वाई वन प्लस वाई टू क्या है 7 + 9 अपॉन टू, क्लियर। तो टी एक्स प्लस वाई
कितना हो गया बेटे 8 अपॉन टू अर्थात कितना आ गया 4, और ये कितना हो गया बेटे हमारा 16 अपॉन टू कितना हो गया बेटे 8, कितना हो गया 16 अपॉन टू कितना हो गया 8, अर्थात हमारे जो हमारा ए बी लाइन है उसका मिड पॉइंट कौन सा टी है बेटे, उसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए हमारे 4 और 8, कितने आ गए 4 और 8। अब देखते हैं बेटे सेकंड वाले का, अर्थात इसी फॉर्मूले से क्या निकालना है बेटे हमें, एस का निकालने, एस के कोऑर्डिनेट निकालने एक्स वाई। तो देखो बेटे क्या आ जाएंगे हमारे x1 + x2 / 2 और y1 + y2 / 2, क्लियर। तो देखो बेटे x1 + x2 अर्थात सेकंड लाइन है, सेकंड लाइन का मिड पॉइंट निकालें तो x1 ये हो गया, x2 ये हो गया, अर्थात 5 + 3 / 2 और इसका y1 + y2 क्या होगा, y1 + y2 ये हो गया 7 + 9 / 2, क्लियर। तो देखो xy क्या हो गया 5 + 3 कितना हो गया 8 / 2 कितना हो गया बेटे 4, वही हो गया 16 / 2 कितना हो गया बेटे 8। तो बेटे हमने देखा सेकंड लाइन का मिड पॉइंट कितना आ गया 4 8 आ गया, और हमारा बेटे क्या है फर्स्ट लाइन का मिड पॉइंट था टी, वो भी कितना आया था, उसके कोऑर्डिनेट 4 8 आए थे, अर्थात दोनों कैसे हमारे मिड पॉइंट सेम है, क्लियर है। तो दोनों लाइनों के मिड पॉइंट कैसे आए हमारे सेम आए, इसी से बेटे प्रूफ हो गया। क्या करना हमें बताना ही तो था कि इसके दोनों के पॉइंट कैसे मिड पॉइंट कैसे हैं आपस में सेम है, ठीक है। ये तो हमने निकाल के बता दिया, नहीं तो डायरेक्ट भी बता सकते हैं बेटे, क्योंकि ये इन पॉइंटों की लाइन और इन पॉइंटों की लाइन बेटे बेटे एक ही सेम है, क्योंकि बेटे ये देखो 5 फर्स्ट पॉइंट कौन सा 5 7 5 7, 3 9 3 9, अर्थात हम कह सकते हैं ये एक ही लाइन है, अर्थात एक ही लाइन है तो बेटे एक ही लाइन के पॉइंट हमेशा कैसे होगा मिड पॉइंट तो सेम ही होगा, अर्थात कह सकते हैं एक ही होगा, क्लियर है नहीं है। तो हमने कह दिया बेटे हमारी सेकंड लाइन का जो मिड पॉइंट है 4 8 वही हमारे फर्स्ट लाइन का 4 8, क्लियर है, हो गया नहीं प्रूफ, ठीक है नहीं है। तो करो बेटे नोट, देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21 है, और हम कह सकते हैं हमारे चैप्टर जो 9 है उसका लास्ट क्वेश्चन है, क्लियर बेटे, मिसलिनियस का हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है, अर्थात कह सकते हैं चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इसी के साथ हमारा चैप्टर क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो बेटे इसे और देख लेते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 21 में, इफ मिड पॉइंट ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इज 1 2 0 - 1 2 - 1 देन फाइंड इट्स वर्टेक्स, अर्थात एक हमारे लिए ट्राइंगल दे दिया है तो ट्राइंगल बना लो एक छोटा सा, तो क्या कर लेंगे बेटे हमने एक ट्राइंगल बना लिया मान लो ये वाला, ठीक है, मान लो ट्राइंगल है ABC, क्लियर। तो ये कह रहा है बेटे उनके मिड पॉइंट है, अर्थात AB का मिड पॉइंट मान लेते हैं इसे, AB का मिड पॉइंट मान लिया बेटे 1 2, BC का मिड पॉइंट मान लिया बेटे ये वाला 0 - 2 और AC का मिड पॉइंट मान लिया 2 - 1, क्लियर है। तो इनको नाम दे लेते हैं, मान लो क्या दे दिया, इसे दे दिया P, इसे दे दिया बेटे Q, इसे दे दिया मैंने R, PQR। तो हमारे लिए क्या दे दिया बेटे एक ट्राइंगल है ABC जिसके साइड्सों के मिड पॉइंट कौन से PQR हैं जो हमारे लिए दे रखे वो मान लिए, फिर कह रहा है क्या देन फाइंड इट्स वर्टेक्स, अर्थात वर्टेक्स निकालने ABC, अर्थात इन पॉइंटों के क्या निकालने हमें कोऑर्डिनेट निकालने हैं। तो देखो बेटे कैसे करते हैं, लेट मान लिया हमने इन ट्राइंगल ABC में क्या है P 1 2 Q 0 - 1 and R 2 - 1 2 - 1 R mid points of sides of ट्राइंगल ABC, क्लियर है। एंड और क्या कर लेते हैं, लेट मान लेते हैं बेटे क्या क्या मान लेते हैं, ए पॉइंट का कोऑर्डिनेट मान लेते हैं हम x1 और y1, बी के मान लेते हैं हम x2 y2 और सी के मान लेते हैं हम x3 y3, जो कि हमें क्या करने हैं फाइंड करने हैं, ठीक है बेटे, x1 y1 x2 y2 और क्या है x3 y3, क्लियर है, तीनों मान लिए। तो क्या बेटे देखो हमें हम दे क्या रखा है बेटे, ए बी लाइन का मिड पॉइंट दे रखा है, क्या दे रखा है मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं और ए बी के हमें क्या बेटे कोऑर्डिनेट निकालने हैं, अर्थात हमने क्या रखा है बेटे जो चीज़ दे रखी होती है कभी कभी हमें उसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ता है, अर्थात मेरे लिए मिड पॉइंट दे रखे हैं और हमें पॉइंटों के क्या निकालने बेटे कोऑर्डिनेट निकालने, तो हमें फॉर्मूला भी किसका यूज करना है
कोऑर्डिनेट निकालने हैं, कोऑर्डिनेट में भी सेक्शन फॉर्मूले का यूज करते हैं, लेकिन कौन से फॉर्मूले का यूज करेंगे सेक्शन वाले में से, मिड पॉइंट वाले का, क्योंकि हमारे लिए क्या दे रखा है, मिड पॉइंट दे रखा है, तो मिड पॉइंट वाले ही सेक्शन के मिड पॉइंट वाले फॉर्मूले से हम क्या निकालेंगे, ए बी के वर्टेक्स या कह सकते हैं कोऑर्डिनेट निकालेंगे। तो देखो बेटे क्या करेंगे, वाई यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला कौन सा बेटे, मिड पॉइंट वाला, मिड पॉइंट, क्लियर है। तो इसमें क्या होता है हमारा, x होता है बेटे x1 वन प्लस एक्स टू अपॉन टू के बराबर और y वाला कोऑर्डिनेट होता है हमारा y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू के बराबर, क्लियर है, नहीं है, ठीक है। तो देखो बेटे अब हमें क्या निकालना है, a और b, a और b पॉइंट के लिए लेते हैं, क्या p पॉइंट को लेकर करते हैं, केश फर्स्ट 4 पॉइंट ए एंड बी विद मिड पॉइंट पी, कितना 1 2 दे रखा है, क्लियर है बेटे, क्या दे रखा है, 1 2 दे रखा है। तो देखो बेटे एक्स, ये वाला एक्स और वाई कौन से होते हैं बेटे, जो हमारा मिड पॉइंट होता है, जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट होता है उसी के तो कोऑर्डिनेट होते हैं ये और एक्स वाई, एक्स वाई कौन से हैं, जो हमारा क्या करता है, डिवाइड करता है पॉइंट, तो अर्थात जो पी पॉइंट है वो क्या कर रहा है, ये को डिवाइड कर रहा है, तो एक्स, एक्स कौन सा कोऑर्डिनेट है, ये पी वाला है, तो बेटे हमने कर दिया एक्स के पे 1, क्लियर। उसके बाद में एक्स वन प्लस वाई वन, जो हमें बेटे वर्टेक्स दे रखे होते हैं उनके कोऑर्डिनेट हैं, तो हमारे ए और बी के, ए और बी कहाँ बेटे, ए बी रहा, तो क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू, इसके भी कोऑर्डिनेट क्या है बेटे हमारे, एक्स वन प्लस एक्स टू अपॉन टू, क्या करेंगे बेटे, क्या किया हमने यहाँ पर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, टू का मल्टीप्लाई इधर कर दिया, तो क्या आ गया, टू इक्वल आ गया बेटे एक्स वन प्लस एक्स टू, ये आ गया बेटे इक्वेशन नंबर फर्स्ट, या मैं डायरेक्टली ऐसे ऐसे भी लिख सकता हूँ, एक्स वन प्लस एक्स टू इक्वल टू, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, क्लियर है बेटे। इधर मैं निकाल देता हूँ उसके वाई वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला, तो वाई कितना दे रखा है बेटे, टू है, तो टू कर दिया, y1 वन प्लस वाई टू, अर्थात पॉइंट ए बी का y1 वन प्लस वाई टू क्या है, ए बी में y1 का y1 है और y2 को y2 कहा गया है, तो बेटे क्या कर सकते हैं, y1 वन प्लस वाई टू अपॉन टू, क्या कर दूंगा बेटे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 2 का 2 से किया, तो क्या आ गया, y1 वन प्लस वाई टू इक्वल टू टू जा 4, ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर सेकेंड, क्लियर है, ये कौन सी हो गई बेटे, इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो अब देखते हैं आगे, केस सेकेंड क्या करेंगे, 4 पॉइंट बी एंड सी, कौन सा बेटे, बी एंड सी के लिए देख लेते हैं, विद मिड पॉइंट, बेटे बी और सी का मिड पॉइंट कौन सा, क्यू है, क्या है बेटे, क्यू है, जो कि क्या है, 0 माइनस 1, यही है ना। तो देखो बेटे अब इसके लिए निकालते हैं एक्स, क्या है बेटे, ये वाला एक्स अर्थात 0, ठीक है, एक्स वन प्लस एक्स टू, अर्थात बी और सी में एक्स वाले कोऑर्डिनेट कौन से हैं, बी और सी में बेटे ये रहा, एक्स वन को तो एक्स टू से डिनोट किया गया है और एक्स टू को एक्स थ्री से, अर्थात मैं कर सकता हूँ एक्स टू प्लस एक्स थ्री अपॉन टू, क्लियर, ठीक है, नहीं है। तो देखो बेटे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं, तो क्या हो जाएगा, एक्स टू प्लस एक्स थ्री, टू का मल्टीप्लाई 0 से किया, तो क्या आ गया बेटे, 0, ये आ गया हमारी इक्वेशन नंबर थर्ड। तो देखो बेटे अब y वाला देखते हैं, y वाला कोऑर्डिनेट कितना है बेटे, -1, ठीक है, फिर क्या है, y1 वन प्लस वाई टू, अर्थात पॉइंट b और c में y1 और y2 देखो, अर्थात y वाले कोऑर्डिनेट देखो b और c में, y1 को तो y2 से डिनोट किया गया, y2 को y3 से, अर्थात मैं कह सकता हूँ y2 प्लस y3 अपॉन 2, y2 प्लस y3 अपॉन 2, तो क्या करेंगे बेटे यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लाई -1 से करेंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा, y2 प्लस y3 इक्वल -2, ये हो गई बेटे इक्वेशन नंबर फोर्थ, कौन सी हो गई बेटे, इक्वेशन नंबर 4 हो गई हमारी, क्लियर है, नहीं है। तो देखो बेटे अब आ गए यहाँ पे क्या करेंगे बेटे, अब दो पॉइंट दो आ गए हमारे, दो पॉइंट ले लिए, एक तो हमने मिड पॉइंट पी ले लिए, क्यू ले लिया, अब कौन सा लेना है आर, तो लिखो बेटे क्या है, केश थर्ड, क्या करना है बेटे, 4 पॉइंट्स कौन सा बेटे, ए एंड सी, ए एंड सी विद मिड पॉइंट कौन सा है बेटे, आर, अर्थात 2 माइनस 1,
टू माइनस वन। क्लियर है? नहीं है तो देखो बेटे अब क्या करना है, ये वाला फॉर्मूला करना है, एक्स इंटरसेक्टिंग पॉइंट एक्स का कोऑर्डिनेट, इंटरसेक्टिंग पॉइंट कौन सा आर है इसका, एक्स वाला कोऑर्डिनेट क्या टू, तो टू कर दिया। फिर एक्स वन प्लस एक्स टू अर्थात ए पॉइंट और सी पॉइंट में एक्स वन कौन सा एक्स टू कौन सा, अर्थात एक्स वाला कोऑर्डिनेट देखो ए पॉइंट और सी पॉइंट, एक्स वाला कोऑर्डिनेट तो बेटे एक्स वाला ही है और एक्स टू कोऑर्डिनेट क्या एक्स थ्री, अर्थात मैं कर सकता हूँ एक्स वन की जगह पर एक्स वन और एक्स टू की जगह पर एक्स थ्री अपॉन टू। क्लियर है? क्या करना हो बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, तो क्या आ जाएगा एक्स वन प्लस एक्स थ्री, टू का टू से किया तो कितना आ गया बेटे फोर, ये बन गई हमारी इक्वेशन नंबर फाइव। क्लियर? तो देखो अब आगे y वाला कोऑर्डिनेट निकालना, y वाला इंटरसेक्टिंग में कौन सा है बेटे कोऑर्डिनेट माइनस वन, फिर है बेटे माइनस वन प्लस माइनस टू, अर्थात मुझे पॉइंट ए और पॉइंट सी में बेटे क्या करने y वाला कोऑर्डिनेट देखने हैं। तो देखो ए और सी में y वाला, ए में y वाला कोऑर्डिनेट y1 है और सी में y वाला कोऑर्डिनेट y3 है, तो क्या कर दिया मैंने y1 प्लस y3 अपॉन टू, यहाँ पे क्या करेंगे बेटे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो तो क्या आ जाएगा y1 प्लस y3, 2 का माइनस वन से किया तो कितना आ गया माइनस टू, ये आ गया बेटे इक्वेशन नंबर सिक्स। क्या आ गई हमारी इक्वेशन नंबर सिक्स, ठीक है? तो देखो बेटे अब यहाँ तक तो हमने निकाल लिया, सिक्स इक्वेशंस बन गए हमारे पास, ठीक है? नहीं है अब करना क्या है सर, अब देखो बेटे कभी यहाँ पे देखेंगे तो x1 वन प्लस एक्स टू, वाई वन प्लस वाई टू, एक्स टू प्लस एक्स थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री, एक्स वन प्लस एक्स थ्री, वाई वन प्लस वाई थ्री, अर्थात हमारी जो इक्वेशंस बन रही हैं दो इक्वेशंसों को लेकर बन रही है, अर्थात दो वेरिएबल यूज हो रहे हैं। क्लियर नहीं है? अर्थात मेरा कहने का अर्थ है हमें इसमें एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री तीनों के कोऑर्डिनेट कैसे चाहिए, अलग अलग चाहिए, तो अब क्या कर सकते हैं बेटे एक्स वाले इक्वेशंस को एक साथ लेकर के एक्स की वैल्यू निकाल देते हैं और वाई वाले इक्वेशंस को एक साथ लेकर के वाई वाली वैल्यू निकाल देते हैं। तो देखो बेटे करते हैं फिर, एडिंग क्या कर देते हैं बेटे, मैं फिर भी कह रहा हूं एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री, वाई वन वाई टू वाई थ्री, अर्थात प्रत्येक एक्स कोऑर्डिनेट जो है और प्रत्येक वाई वाला कोऑर्डिनेट उसकी सभी की अलग अलग हमारे पास कोऑर्डिनेट होने चाहिए, एक साथ नहीं प्लस में नहीं माइनस में, अर्थात मैं अलग अलग निकालूंगा तो क्या करूंगा कि एक्स वाले कोऑर्डिनेटों को एक साथ ले लूंगा और वाई वालों को एक साथ ले लूंगा इनमें से, ठीक है? तो देखो बेटे एक्स एक्स वाले कौन से हैं, ये तो इक्वेशन फर्स्ट में एक्स एक्स वाले कोऑर्डिनेट हैं, फिर इक्वेशन नंबर थर्ड में है और फिर इक्वेशन नंबर फाइव में, तो मैंने कर दिया एडिंग इक्वेशन फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ। क्लियर है? तो देखो बेटे क्या है एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स वन प्लस एक्स टू, क्लियर? फिर इसमें देखेंगे एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स टू प्लस एक्स थ्री, फिर बेटे फिफ्थ वाले में एक्स वन प्लस एक्स थ्री, एक्स वन प्लस एक्स थ्री इक्वल टू है इसमें, इसमें जीरो है बेटे, इसमें फोर है, अर्थात मैं कर सकता हूँ टू प्लस जीरो प्लस फोर। क्लियर है यहाँ तक? ठीक है? नहीं है तो देखो एक्स वन एक्स वन, तो क्या हो गया बेटे टू एक्स वन प्लस एक्स टू, एक्स टू तो क्या हो गया टू एक्स टू प्लस एक्स थ्री, एक्स थ्री तो क्या हो गया टू एक्स थ्री इक्वल कितना हो गया बेटे सिक्स। तो बेटे इनमें से क्या कॉमन आ रहा है, टू कॉमन आ रहा है, तो मैं क्या कर सकता हूँ टू कॉमन लेकर के एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल सिक्स, तो क्या हो जाएगा एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री सिक्स, टू का इधर ले गया तो बेटे काम पहुँच गया डिवाइड में, तो क्या हो गया एक्स वन प्लस एक्स टू प्लस एक्स थ्री इक्वल क्या हो गया बेटे टू आ गया बेटे, इसकी डिवाइड टू आ गया तो कितना बच गया थ्री, इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर कौन सा बेटे सिक्स, पहले से बन गई सेवन, इक्वेशन नंबर सेवन क्या दे दिया इक्वेशन नंबर सेवन दे दिया। इसी तरह बेटे देखो इधर देख लेते हैं, इधर कर लेते हैं, क्या करना है अब हमने एक्स एक्स वाले इक्वेशन को सम कर दिया था, अब क्या कर लेते हैं वाई वाई वाले कौन से हैं टू फोर और सिक्स, तो हम कर सकते हैं एडिंग एडिंग इक्वेशन सेकंड फोर्थ एंड सिक्स, ठीक है बेटे? तो देखो बेटे सेकंड कौन सी एक्स वाई वन प्लस वाई टू करो बेटे प्लस y1 वन प्लस वाई टू, फिर बेटे इसमें y2 टू प्लस वाई थ्री, वाई टू प्लस वाई थ्री, फिर इसमें कौन सी बेटे y1 वन प्लस वाई थ्री, वाई वन प्लस वाई थ्री इक्वल, तो देखो बेटे क्या है फोर माइनस टू, फोर है माइनस का टू है, इधर भी माइनस का टू है माइनस का टू, तो बेटे देखो
y1 तो क्या हो गया 2y1, y2 2y2, y3 2y3, और इधर क्या बच गया बेटे 0, इधर क्या बच गया 0। अब क्या कर दिया 2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 0। 2 को इसके डिवाइड में ले गए तो क्या हो गया बेटे y1 प्लस y2 प्लस y3 इक्वल 0, क्या हो गया 0। ये इसे दे दो बेटे इक्वेशन नंबर 8, इसे इक्वेशन नंबर 8, और ये हो गई बेटे हमारी इक्वेशन नंबर 7। क्लियर है बेटे यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? सबसे पहले हमने 2 को एक एक साथ में लिया, फिर हमने क्या किया एक्स एक्स वाली इक्वेशनों का सम कर दिया, फिर हमने वाई वाई वाली इक्वेशनों का क्या कर दिया बेटे सम कर दिया। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है यहाँ तक? ठीक है, ये इक्वेशन बन गई नहीं बन गई तो पहले नोट करो बेटे, इससे आगे कराते। तो देखो बच्चों हमारे इक्वेशंस आ गए बेटे, एक इक्वेशंस बन गई एक्स एक्स वाले हमारे क्या ले रखे कोऑर्डिनेट, एक तरफ हमने वाई वाई वाले ले रहे हैं। ठीक है, तो देखो अब आगे क्या करना है हमें। चलो बेटे अभी इसे तो रहने दो, इधर देख लेते हैं आप। तो देखो बेटे इधर आप करना क्या है हमें, तो देखो बेटे अब हमारी ये इक्वेशंस x1 x2 x3 को लेकर के वो वाली है y1 y2 y3 को लेकर, अर्थात हमें क्या करना है इसमें से हमें क्या निकालना है, क्या निकालने इन कोऑर्डिनेटों को अलग अलग निकाल सकते हैं। तो देखो बेटे क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग इक्वेशन सेवन ले लेते हैं। तो बेटे क्या हमारी इक्वेशन 7 x1 प्लस x2 प्लस x3 इक्वल कितना है बेटे 3, कितना है 3। क्लियर है? तो देखो बेटे अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन फर्स्ट थर्ड और फोर्थ हमने आपको लिखाई थी, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, तो क्या करेंगे देखो पुटिंग x1 प्लस x2 इक्वल टू क्या है बेटे, पुटिंग x1 प्लस x2 इक्वल टू, तो इसमें पुट कर देते हैं बेटे किसमें से, इक्वेशन फ्रॉम कर दो बेटे, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, कौन सी है बेटे इक्वेशन फर्स्ट से हमने x1 प्लस x2 इक्वल टू इसमें बेटे क्या कर देते हैं पुट कर देते हैं। देखो बेटे x1 प्लस x2 की जगह पे कर दिया मैंने 2, तो क्या बच गया इधर बेटे x3 इक्वल 3, तो 2 को इधर ले गया तो क्या हो जाएगा x3 इक्वल 3 माइनस 2, x3 इक्वल कितना आ गया बेटे मेरा 1, कितना आ गया 1 आ गया। ठीक है, तो बेटे हमने क्या किया इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, अब देखते हैं बेटे पुटिंग दूसरी करते हैं, पुटिंग तीनों इक्वेशंस कौन कौन सी एडिंग की थी, फर्स्ट थर्ड और फिफ्थ, इनको किया था ना ऐड हमने, तो इनको ही इनमें से एक एक बार क्या करना है बेटे इसमें से माइनस करना है। अब वन वाली फर्स्ट वाली कर दी और थर्ड वाली कर देते हैं, तो देखो क्या है पुटिंग क्या बेटे x2 प्लस x3 इक्वल कितना है बेटे हमारा 0, किस में से किया है मैंने फ्रॉम इक्वेशन थर्ड। तो देखो बेटे करो किस में x2 प्लस x3 अर्थात x1 रह जाएगा इसमें प्लस x2 प्लस x3 की जगह पे क्या पुट कर सकता हूँ बेटे कितना है हमारा 0, क्या है बेटे 0 इक्वल कितना है बेटे 3, तो 3, तो हमारा x1 इक्वल कितना आ गया बेटे 3 आ गया, कितना आ गया बेटे 3 आ गया। ठीक है, तो देखो अब उसके बाद में दो इक्वेशंस हो गई हमारी, एक तो x3 आ गया x2 आ गया, और तीसरी इक्वेशंस कौन सी है बेटे हमारी, कौन सी x कोऑर्डिनेट वाली कौन सी, फिफ्थ है, तो फिफ्थ को भी इसमें ऐड कर देते हैं पुट कर देते हैं। तो करेंगे पुटिंग x1 प्लस x3 इक्वल 4 किससे बेटे फ्रॉम इक्वेशन फिफ्थ, कौन सी है बेटे इक्वेशन फिफ्थ से करते हैं। तो देखो बेटे करो x1 प्लस x3 की जगह पे 4 लिख सकते हैं, x1 और x3 की क्या बच जाएगा इधर x2 बच जाएगा, प्लस इनकी जगह पे क्या लिख सकते हैं 4 लिख सकते हैं इक्वल बेटे 3, तो क्या हो जाएगा x2 इक्वल 3 माइनस 4, तो x2 इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा माइनस का 1, कितना आ गया माइनस का 1।
क्लियर है बेटे? नहीं है, यहाँ से समझ में आ रहा है? देखो बेटे, तीनों हमने कहा था कि एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री अर्थात प्रत्येक पॉइंट में हमारा एक्स वाला कोऑर्डिनेट अलग अलग चाहिए, तो हमने अलग अलग वाले निकाल दिए। एक्स थ्री एक्स वन की आ गई वैल्यू, एक्स टू की आ गई और एक्स थ्री की आ गई। क्लियर है? नहीं है तो देखो बेटे, इसी तरह क्या करना है हमें, अब करेंगे टेकिंग वाई वाले निकाल देते हैं। टेकिंग कौन सी बेटे? इक्वेशन एट। कौन सी है? इक्वेशन नंबर एट ले लो बेटे। क्या है हमारी इक्वेशन नंबर एट? वाई वन प्लस वाई टू प्लस वाई थ्री इक्वल जीरो, यही है। क्लियर है? नहीं है तो देखो बेटा, अब इसमें से हमने कौन कौन सी इक्वेशंस को ऐड किया है, अर्थात वाई वाली इक्वेशंस कौन कौन सी थी? सेकंड थी, फोर्थ थी और सिक्स थी। तो क्या करना है बेटे, इन तीनों को इसमें से हमें एक एक करके माइनस करना है। तो देखो बेटे, इसे इरेज कर देते हैं इधर की साइड से। तो देखो बेटे, पुटिंग फर्स्ट वाली ले लो बेटे। क्या है? y1 वन प्लस वाई टू इक्वल कितना है बेटे हमारा? 4। क्या है बेटे, कहाँ से लिख रहे हैं इसे? फ्रॉम इक्वेशन नंबर, कौन सी इक्वेशन थी बेटे? ये सेकंड वाली। कौन सी थी? सेकंड वाली। तो देखो बेटे, करो क्या है, y1 वन प्लस वाई टू की जगह पे क्या लिख सकते हैं? 4। y1 वन प्लस वाई टू की जगह पे लिख सकता हूँ 4 प्लस, तो प्लस क्या बच गया? वाई थ्री। क्या बच गया बेटे? वाई थ्री इक्वल जीरो। तो वाई थ्री इक्वल कितना आ गया बेटे? माइनस 4। कितना आ गया? माइनस 4। क्लियर है? नहीं है। अब सेकंड निकालता हूं मैं। पुटिंग y2 टू प्लस वाई थ्री माइनस टू फ्रॉम इक्वेशन फोर्थ। कौन सी से? फोर्थ वाली इक्वेशन से मैं क्या कर देता हूं, x y2 टू प्लस वाई थ्री इक्वल माइनस टू पुट कर देता हूं। तो देखो बेटे, y2 टू और y3 की जगह पे क्या लिख सकता हूं? माइनस टू, और यहां पे बस जाएगी y1। तो y1 और इसकी जगह पे, इन दोनों की जगह पे क्या लिख सकता हूँ बेटे मैं? माइनस का 2 इक्वल 0। क्या किया बेटे मैंने? ऐसा पुट कर दिया, इन दोनों की जगह पे क्या लग दिया? माइनस 2 इक्वल 0। तो y1 इक्वल कितना हो गया बेटे? 2। कितना आ गया? y1 इक्वल 2 आ गया। क्लियर है बेटे? यहाँ तक किसी को दिक्कत तो नहीं है? ठीक है, अब तीसरी वाली और निकाल लेते हैं। पुटिंग क्या है बेटे, y1 प्लस y3 इक्वल माइनस 2 फ्रॉम इक्वेशन, कौन सी है बेटे? 6। कौन सी है? इक्वेशन 6 से हम इसमें पुट कर रहे हैं। तो देखो बेटे, y1 वन प्लस वाई थ्री इक्वल टू माइनस टू। तो y1 और y3 की जगह पे क्या लिख सकता हूँ? माइनस टू लिख सकता हूँ। तो कौन सा बच रहा है बेटे यहाँ पे? y2 बच रहा है। y2 टू माइनस टू इक्वल जीरो। तो y2 टू इक्वल कितना आ गया बेटे हमारा? 2। कितना आ गया बेटे? 2। तो देखो बेटे, हमारे पास y1 भी आ गई, y2 भी आ गई, y3 भी आ गई, इसी तरह x1, x2, x3 भी आ गया। तो हम क्या बता सकते हैं अब इसके कोऑर्डिनेट बता सकते हैं, वर्टेक्स बता सकते हैं। तो देखो अब नीचे आगे इसे तो देखो बेटे, सो अब यहां पे क्या लिख सकते हैं हम? सो वर्टेक्स वर्टेक्स ऑफ ट्राइंगल ऑफ ट्राइंगल ए बी सी। क्या है बेटे? ट्राइंगल ए बी सी क्या होगा? तो देखो बेटे, क्या है? फर्स्ट पॉइंट है हमारा ए। क्या है बेटे? एक्स वन वाई वन। दूसरा है बेटे हमारा बी, एक्स टू वाई टू। तीसरा है सी, एक्स थ्री वाई थ्री। क्लियर है बेटे? यही है ना हमारे तीनों तीनों पॉइंट। तो देखो बेटे, क्या है हमारा ए, एक्स वन वाई वन। एक्स वन कितना है बेटे? 3। तो एक्स वन की जगह पे आ गया 3। वाई वन कितना है बेटे हमारा? 2। तो कितना आ गया बेटे? 2। क्लियर? फिर देखते हैं बेटे सेकंड वाला, एक्स टू। एक्स टू कहाँ बेटे हमारा? माइनस वन। कहाँ बेटे? माइनस वन। वाई टू, वाई टू कितना है बेटे हमारा? 2। तो ये आ गया कोड। ठीक है, तीसरा वाई थ्री, सॉरी एक्स थ्री। एक्स थ्री कितना है बेटे? 1। एक्स थ्री कितना है बेटे? 1। वाई थ्री, वाई थ्री कितना आया बेटे? बेटे माइनस 4। तो बेटे हमारे तीनों के तीनों क्या आ गए? हमारे वर्टेक्स आ गए, किसके? ट्राइंगल के। क्लियर है? किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है यहाँ पे? ठीक है, तो हमने क्या निकालना था? वर्टेक्स निकालने थे ट्राइंगल के। तो हमारे तीनों के तीनों वर्टेक्स आ गए। ठीक है, ठीक है, जो आपके सामने है। फर्स्ट आ गया 3 2, फिर आ गया सेकंड माइनस 1 2, फिर आ गया 1 और माइनस 4।
ठीक है, नहीं है किसी को बेटे प्रॉब्लम तो नहीं है इसमें, क्लियर है। अगर किसी को बेटे प्रॉब्लम हो तो क्या करना, हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, जिससे कि आपकी प्रॉब्लम का समाधान आप तक पहुंचा सकें, ठीक है, नहीं है बेटे। और इसी के साथ आपका 9 चैप्टर कंप्लीट, ठीक है बेटे। और इसके बेटे क्या है, अब नेक्स्ट लेक्चर कर वो नेक्स्ट चैप्टर कराएंगे आपको, ठीक है। और बेटे अब क्या करना है, किसी को अगर इसमें फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है तो बेटे हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताना, ठीक है। ओके, गुड बाय, थैंक यू।